आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आलू से एक रेसिपी तैयार करेंगे जो बहुत ही सिंपल है और सिर्फ एक मसाला इसमें हम डालेंगे और बढ़िया से हमारे क्रोकेट्स तैयार हो जाएंगे। आप देखें कितने अच्छे हैं और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्प तैयार हुए हैं। बहुत अच्छा स्नैक है, आप इसको इफ्तार में या टी टाइम पे नॉर्मल डेज में आप इसको बना सकते हैं। इसको बना के आप फ्रीज में भी रख सकते हो, ये आपके फ्रोजन स्नैक्स की तरह चल जाएंगे बिल्कुल। तो चलिए तैयार कर लेते हैं पोटैटो क्रोकेट्स। मैंने ये बॉइल्ड आलू लिए हैं, कम से कम ये होंगे आधा किलो से थोड़ा ज्यादा होंगे, 600 ग्राम होंगे। इनको मैंने बॉइल कर लिया है, अब इनको हम मैश करेंगे मैशर से। बहुत अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया है। इसमें आप देख लीजिएगा कोई भी गुठली ना रहे, लम्स फ्री होना चाहिए। अब इसमें मैं 50 ग्राम मक्खन डाल रही हूँ, रूम टेम्परेचर वाला ये बटर है। अब इसको हम अच्छे से इसमें मिलाएंगे। सॉल्ट डाल देते हैं इसमें, थोड़ी सी काली मिर्च, बहुत थोड़ी डालनी है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि बटर नमक पूरे में एक जान हो जाए, बिल्कुल मिल जाए। अब मैंने एक चम्मच दूध लिया है, इसको थोड़ा सा डाल के दोबारा से इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हमको सॉफ्ट करना है, इसलिए हम इसको डाल रहे हैं। मक्खन से सॉफ्ट हुआ, अब थोड़ा सा दूध से सॉफ्ट होगा। बस अब ये तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्रोकेट्स कैसे बनाने हैं। मैंने एक कप ले लिया है, आप ग्लास ले लें, कुछ भी ले लें, और इस तरह की एक जिप लॉक पन्नी मैंने ले ली है, कोई भी आप पॉलिथीन ले सकते हैं। अब इसके अंदर इसको हम डालेंगे। इसके अंदर आप इसको एडजस्ट कर लीजिए जितना चला जाए अंदर, और ये बैटर इसके अंदर हम डालेंगे। इस तरह से इसको नीचे तक ले आएंगे, इतनी दूर हम काट देंगे, थोड़ा सा बड़ा काटेंगे, इतना बड़ा हम काटेंगे। इस तरह से आप कर लें। मैंने एक बटर पेपर ले लिया है और यहाँ हम कैंची से मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको मैं काट देती हूँ। इस तरह से कट गया है। बस अब हम क्या करेंगे कि इसमें से निकालेंगे, दबाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा और मोटा करना होगा, थोड़ा सा बड़ा काटेंगे। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये थोड़ा पतला हो गया है, इतना मोटा आपको रखना है। थोड़ा सा हाथ से इसको ठीक कर दें। फ्रीज़र में रखेंगे तो 1 घंटे के लिए, और अगर फ्रिज में रखेंगे तो कम से कम 2 घंटे आप रखिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब आप देखिए आखिर में थोड़ा सा बचा, तो आप इसको हाथ से भी कर दें। जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वैसे भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप कर लीजिएगा। इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखती हूँ। अब हमने एक तरफ ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं, मैदा है, और एक अंडा मैंने फेंट लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है, जितने बड़े भी आपको बनाने हैं उतने आप इसमें कट कर लें, क्योंकि हमने फ्रीजर में रख दिया तो थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो इसलिए कटिंग में बहुत आसानी रहेगी। अब इस तरह से देखें, हल्का सा आपको लग रहा है कि शेप बिगड़ गया है, तो उसको हाथ से ही आप उसको ठीक कर लें। तो सारे हम इस तरह से काट लेते हैं। अब पहले हम इसको मैदे में डिप करेंगे, कोट कर लें अच्छे से, उसके बाद अंडे में डालेंगे, और फिर अब हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं। सारे हो चुके हैं तैयार। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको फ्रीज करना है तो हम इस स्टेज पे इसको फ्रीजर में रख सकते हैं। तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके इसको रख दें, और जब भी आपको यूज करना हो निकालें, फ्राई करें और सर्व करें। तो इस तरह से हम बंद करके इसको रख देते हैं। थोड़े से मैं आपको तलकर भी दिखा देती हूँ। अब हम फ्राई कर लेते हैं। तेल को पहले तेज गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद लो फ्लेम करके आप उसको फ्राई कर लीजिएगा। बहुत जल्दी होते हैं ये, क्योंकि आलू पके हुए हैं ही, बस ऊपर की जो लेयर है उसको हल्का ब्राउन करना है। आप देखिए अभी मैंने बस डाला, ये कुछ भी नहीं किया, हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, ये देखें। तो ये बहुत फटाफट होते हैं, बहुत बढ़िया स्नैक है, बच्चों को तो ये फेवरेट हो जाएगा। आप इसको ज़रूर तैयार करके रखिएगा, हमेशा आपके फ्रिज में रहेगा, तो आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं, हल्का हल्का ऑयल लगा दें इस पर और उसको ओवन में आप कर लें, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो आप देखिए ये हो चुके हैं, और कितना अच्छा कलर आया, और मिनटों में हो रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं लगा और ये हो गए हैं। तो आप इस तरह से सारे तल लीजिएगा, और मैं आपको सारे तल कर आपको दिखाती हूँ। इसको मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ।
तो आप देखें बढ़िया से हमारे क्रोकट तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से बहुत क्रिस्प हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं क्योंकि इसमें मक्खन लगा है। कितना बढ़िया से हमारा क्रोकट्स तैयार हो चुके हैं। तो आप बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार भी रहता है। उनको पढ़ना अच्छा लगता है, उनको जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।